गौरी, गौरी, आई एम सॉरी। चार सीढ़ी उतरो। लेकिन क्यों? ये पूजा के फूल भगवान की सेवा के लिए होते हैं। फिर इसके लिए सीढ़ी क्यों उतरना? हाँ, गलत करो तो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना है। चार सीढ़ी नीचे उतरकर अपनी गलती मानकर फिर ऊपर चढ़ जाना। फनी। तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कह रही हो। ए! अरे! अच्छा, चटनी का स्वाद कैसा है, जरा चेक किया देखो। अच्छा ये बताओ, वहाँ कैसी हो, क्या कर रही हो? वहाँ सब कुछ ठीक है पापा। मेरे इस गांव का माहौल कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे इतनी दूर हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। नहीं तो मैं अपनी गोद में रखकर देखभाल करता ना। और इतना ही नहीं बेटी, मैंने हॉस्टल के वार्डन को स्पेशली तेरा ख्याल रखने के लिए पैसे भी दिए थे। कहाँ ना वहाँ सब कुछ ठीक है पापा। अरे क्या सही चल रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है तेरे बारे में। सुनिए जी, वो अरे उनकी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसके लिए हॉस्टल ले जाने के लिए तुमने कुछ बनाया है क्या? हाँ, बनाया है जी। अब बताओ क्या हुआ। लीलावती जी ने अपने नौकर को भेजा है। वासु की पत्नी सिटी के हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके खर्च के लिए हमें कुछ देने के लिए कहा है। जो तुम दहेज में लेकर आई हो उसमें से दूं क्या उन्हें? तुम उस लीलावती की तो बात ही मत करो। 25 साल पहले तुमको इस घर में भेजा था, अब इस नौकर को भेज रही है, उनका क्या जाता है? एक औरत की डिलीवरी तक नहीं संभाल सकता पूरा गाँव मिल करके। सुनिए जी, उसकी डिलीवरी में थोड़ी प्रॉब्लम है ना। इधर आ। मेरी प्रॉब्लम भी कोई कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो मैं उनकी प्रॉब्लम सुनूं। हर किसी का मैंने कोई ठेका लेके नहीं रखा है। अभी जाओ, जाओ जाके काम करो अपना। हाँ। ये मोशन टैबलेट किसको आएगी क्या पता? अगर उन्हें तंग करना है तो हम में से किसी को कटप्पा बनना ही पड़ेगा। महेश भैया कहाँ है? एग्जीबिशन जाना था, आप कैसे जाएंगे बताइए ना। क्या हुआ अंकल, एनी प्रॉब्लम? महेश इनको एग्जीबिशन लेकर जाएगा, ऐसा प्लान किया था। आपको वहाँ जाने का रास्ता तो पता है ना? मुझे सब कुछ पता है। क्या तत्व में आपको सब पता है? अपना मुंह बंद कर। चुप रहना, बोला ना इनको सब पता है। तुझे यकीन नहीं हो रहा है? एग्जीबिशन का आज लास्ट डे है। हमें कौन लेकर जाएगा वहाँ? टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं लेकर जाऊंगा। थैंक यू भैया। इट्स ओके मोहन, आपको मेरा नाम भी पता है भैया। बेटा ये बहुत जिद्दी बच्चे हैं, बहुत मस्ती करेंगे, इसीलिए जल्दी लेकर आ जाना। आप फिक्र मत कीजिए, आई विल टेक केयर। ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ जल्दी जल्दी। बाय बाय अंकल। अरे यहाँ है कटप्पा। कार रोको। चल जल्दी से आ जा उस तरफ चल। ये लो कर लो, कॉमन है ये सब। भैया। ए जरा पीछे जा, वॉश करना नहीं आता है क्या? क्या आप जरा इसको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे? नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं हुआ। सफाई करनी नहीं आती लेकिन वीडियो गेम खेलना आता है। तुम सब ने सुपर हीरो की ड्रेस पहनी हुई है, वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट डोरेमोन है, वो तो उसी एग्जीबिशन में मिलेगा। ओ, ऐसा क्या? भैया यहाँ बहुत सारे कांटे हैं। ए, शूज पहनकर क्यों नहीं गया? वो भी मैं पहनाऊं क्या? कांटे हैं तो मैं कैसे जाऊं? तो फिर? ओ, चलो अंदर चलते हैं। हम लोग तो स्पेशल ड्रेस में हैं। आप क्यों नॉर्मल ड्रेस पहने हो? जाओ जाके ड्रेस चेंज करके आओ। व्हाट? इसे पहने से मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। हाँ यार, नहीं पहनेंगे ना, चलो हम लोग चलते हैं। वो बहुत मुश्किल है, चलो। फिर हम अंकल को बता देंगे, चलो चलते हैं, चल। हाँ महेश, आप वो ड्रेस लेकर पार्किंग के पास आ जाना। ओह, तुम भी आ गए क्या? हाँ, आप लोग कार के पास आ जाइए। ठीक है, हम पहनेंगे। अभी यहाँ से चलो, आओ। यस। तुम लोग यहाँ पर कब आए?
उन्होंने इनको फोन किया था। ये बच्चे आपको तंग करने के लिए ही लाए गए हैं, ऐसा बोल रहा था। ओ, ऐसा? बहुत ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? बहुत टॉर्चर किया। ओ, ठीक है बुनी, हम संभाल लेंगे। अरे टेंशन मत लीजिए, इस ड्रेस में हम उनको मैनेज कर लेंगे। अरे आप कार में बैठ जाइए। इन शैतान बच्चों ने मुझे परेशान कर दिया है। ए, छोटे बच्चे हैं तो मस्ती शरारत तो करेंगे ही ना, तो इतनी सी बात के लिए उन्हें शैतान और भूत कहोगे क्या? ये पकड़ो। कैरी ऑन। भाई 5 बटरस्कॉच आइसक्रीम है क्या? तो जरा प्लीज दे दो ना। हाँ ये लो, 1, 2, 3 और ये 4। ए, डोरेमोन कहाँ है? अभी तो यहाँ ही था। अरे वो वहाँ पर है। हाँ, वहाँ पर है। देखो उसे, देखिए। क्यों भाई, आप लोगों की शादी हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं? वो भी सही है, जो साथ होते हैं उन्हीं से तो झगड़ा होता है। अब दूर रहने वालों से कोई कैसे झगड़ सकता है? ये सब छोटी बातें हैं। देखो रामो, किसी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? यही कि उस रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार हो, इज्जत हो। हाँ। क्यों राधा, अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो क्या हम उस हिस्से को काट देते हैं या फिर उसका इलाज करवाते हैं? डायलॉग, डायलॉग! कितनी देर से सुनता जा रहा हूँ इनके सारे डायलॉग। लीलावती जी के पिताजी ड्रामा में डायलॉग लिखते थे, आखिर ये उन्हीं की बेटी है ना, ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इन्हें बहला रही है। अगर इस मामले में कुछ गलत हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, शायद इन्हें पता ही नहीं है। फिर क्या बोलना चाहते हो बताओ ना। अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उसे सुलझाने के लिए इस तरह पंचायत रखना कोई गलत बात है क्या? अब वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? ऐसे पंचायत बुलाकर और सफेद कपड़े पहन लेने से कुछ भी फैसला नहीं होता। ए रामू, देखो मैं बहुत सोच समझ कर तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम यहाँ से पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ जाकर FIR करवा दो, फिर वहाँ से कोर्ट चले जाओ और वो जैसा कहते हैं वैसा ही करो। अभी पुलिस भी बहुत फ्रेंडली हो चुकी है भाई, है ना? अगर हमने सहायता के लिए एक कदम उनकी तरफ उठाया तो वो 10 कदम चलकर हमारे पास आते हैं। और अगर तुमने इन गांव वालों की बातों को सुना तो तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। आपने आपकी सलाह दे दी ना, अब आप जा सकते हैं। क्या भाई, अगर फ्यूचर में कुछ ऊंच नीच हुआ तो उसका समाधान कैसे होगा ये देखने आए हो क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस जगह पर तो आपको ही रहना होगा। अरे तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई, काफी ऊंची आवाज में बोल रहे हो, हाँ? अरे ओ महेश, पहले ये टाइम वेस्ट करने वाले कामों को छोड़ दो। क्या है ये, तुम शहर में जाओगे और परीक्षा में पास होके इन गांव वालों को बेवकूफ बनाओगे? छी छी। बेटी गौरी, तुम इस लड़के के साथ खुशी खुशी शादी कर लो और आराम से कहीं जाकर अपना घर संसार बसा लो। और अगर तुम इन गांव वालों की बातों में आकर इस लड़के से शादी कर ली तो तुम फिर कहीं की नहीं रह जाओगी, ये तजुर्बा है मेरा अपना। सुनो मिश्रा, तुम तो शहर से हो, उम्मीद है सब समझ गए होगे, हाँ? समझ गए ना, सब भेजे में घुसा, हाँ? लगता है इनकी समझ में सब आ गया।
अरे इस गांव को बदलना बहुत मुश्किल है। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो बेटा। हाँ माँ। मेरी बहू पास में है तो उसे फोन दे दे। हाँ। हेलो आंटी। हेलो माया, मेरी बात को गलत मत समझना, पर तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आंटी आता है। वेरी गुड। हम लोग अगर शॉपिंग के लिए निकल गए और घर में कोई मेहमान आ गया तो तुम उनके लिए खाना बना सकती हो क्या? अगर तुम ये सब कर सकती हो तो मेरे बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का ही समझो। कितने लोग आ रहे हैं आंटी? 25 लोग आएंगे बेटा। ठीक है ना? 25? हाँ बोल दो। ठीक है आंटी। देखो परेशान होकर ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। देखो थोड़ा सा दाल चावल चटनी सब्जी रोटी थोड़ी सी खीर पूरी पूरन पूरी और हाँ थोड़ा सा बिरयानी भी बना देना। इसकी बातें मत सुनो बेटी, तुम्हें जो कुछ भी आता है सब कुछ बनाना, ठीक है? ठीक है आंटी। कितनी अच्छी है। हम दोनों मिलकर कर लेंगे माया, विल डू इट। खाना कौन बनाने जाएगा, सिंपल है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। सुन लिया भाई, ऑनलाइन, अब से तेरा खाना सोना सब ऑनलाइन होने वाला है। ए अच्छा सुनो, ऑनलाइन में प्यार ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। सर के बल दौड़ते हुए आपके चरणों में पड़ जाऊंगी, कसम खा के बोलती हूँ। हाय दैया। तुम्हें पानी चाहिए? इतनी प्यास लगी है तो खुद भी लेकर पी सकती थी ना। काम करते करते याद ही नहीं रहा, उनके आने से पहले इतनी सारी चीजें जो बनानी है और माया भी यहाँ हेल्प करने नहीं आ रही। मुझे तो अच्छा, मैं सब्जी बहुत ही अच्छे से काट सकता हूँ। Can I help you? नहीं, सब कुछ तैयार है, बस स्वीट बाकी है। तुम टेस्ट करके बताओ कैसा बना है, बस इतना ही। थैंक्स। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ किचन में क्या कर रही हो? वो दादी जी, आंटी ने फोन करके कहा था कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं खाना खाने के लिए, इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। कहीं ने पता तो नहीं चल गया? ओके चली गई, इसे पकड़ो, चलो बनाओ। एक बार मैं वाओ, अरे फाइनली तुमने सब कुछ बना ही दिया। गुड, सुपर। मैं देखकर आता हूँ। मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। खाने के समय कोई भी शर्माना मत, सब लोग दिल खोल कर खाना भाई, जितना जी चाहे उतना खाना। पानी के मामले में भी मत शर्माना, बगल में ही बहुत बड़ी नदी है, तुमको भी ले जाकर उसी में डुबा दूंगा। जा सबको खाना परोस। भैया हाँ, सब कुछ ठीक है ना? नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छी तरह खाना बना रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। आपको पसंद आ रहा है ना? अच्छा खाइए खाइए। राइस राइस राइस। हाँ राइस। बेटी माया राइस। उस तरफ सबको दे दिया ना? हाँ ये लो ये लो। जाओ। रुको, ये मेंदू बड़ा है ना? हाँ ये मेंदू बड़ा है, आप इसे टेस्ट करिए ना और बताइए कैसा बना है। इधर आओ, मेंदू वड़ा, ये मेंदू वड़ा नहीं। बहुत अच्छा बना है बेटी। बेटी माया जल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ माँ जी। हाँ
देखो बेटा, खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने बनाया है और उसका क्रेडिट लेना, ये तो बहुत गलत बात है। फिर भी ये बहुत अच्छा बना है।